बट गेम इतना ज्यादा बड़ा है, अभी भी सब कुछ समझ नहीं आया, बट इतना आ गया कि हाँ भाई मैं अपने करेक्टर को, कार्स वगैरह को, सब कुछ को इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ। और यार इसमें मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगी कि ये देखो गणेश जी की फोटो लगी है भाई घर में, यार और क्या चाहिए, मतलब यार ये देख लो तो भैया मत्था टेक के यहाँ से निकलते हैं, मतलब यार बाहर के देश में भी लग रहा है मानते हैं इन सब चीज को, मतलब भगवानों को, स्पेशली गणेश जी को। तो भैया नमस्ते कर लिया यहाँ पर हमने। और ये है फ्रैंकलिन का हाउस, जो कि ये इसकी वाइफ का रूम है और ये इसका रूम है। तो ये फ्रैंकलिन का रूम है, देख लो यहाँ पर आप, ये मिरर लगा हुआ है, शक्ल देख लो कैसी है सामने से। और बाकी यहाँ पर अपनी गेम वेम सेव कर सकते हैं। ये है ड्राइंग रूम और जिसमें टीवी लगा हुआ काफी सस्ता था। और ये है इसकी वाइफ, ये है किचन। और अभी हम बाहर चलते हैं और ना थोड़ी बहुत सिटी एक्सप्लोर करेंगे, बाकी तो मैं अभी खेल ही रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो अभी मैं इससे पहले खेल रहा था। और ये हमारी कार है, अभी तो फिलहाल अच्छी कार है, नॉर्मल कार है, बट वैसे अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो बहुत तगड़ी है। गेम के हिसाब से तो बाकी जैसे लोग लेके घूमते हैं उनके हिसाब से इतनी खास नहीं है। बाकी यहाँ पर भाई अभी स्टार्ट ही हुआ है गेम, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, दो तीन मिशन ही हुए हैं अभी। मैं थोड़ा बहुत मिशन देखूंगा कि करना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना यार, अपने को एक ढंग की कार चाहिए, क्योंकि कोई बंदा ढंग की कार लेके निकलता है ना मेरे बगल से, मेरे को अजीब सा लगता है, गरीबों वाली फीलिंग आती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यार मिशन करने, एक एस नाम का मिशन है, मतलब एस करेक्टर है, उस पर चलते हैं भाई, देखते हैं उस मिशन के अंदर भाई बंदा फोन चला था रोड क्रॉस करा था, तो गलती मेरी है, क्योंकि रेड लाइट हो रही थी। बट यार अब गेम में भी रेड लाइट फॉलो करेंगे तो भैया फिर फायदा ही क्या है गेम खेलने का। गेम में तो भैया गेम में खेलना ही है, हरकतें ही तो करनी होती है, तभी तो मजा आता है। अरे भैया हटा ले यार। तो यहाँ पर हम मिशन पर पहुँच चुके हैं और देखते हैं इस मिशन में क्या करना है। बाकी ये है मिशन प्रीमियर ड्यूलेक्स मोटर स्पोर्ट का। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क, ओके अपने आप ही पार्क हो गई है गाड़ी, और वो बंदा सामने क्या कर रहा है लाल वाली गाड़ी में, ओके तो इनकी शायद किसी बात को लेकर बहस हो रही है। ओके आई एम हिज मेंटर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, पर आई एम मेंटल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये थोड़ी वो वाली इंग्लिश होती है, बड़ा मजा आता है इसको सुनने में, पूरी इंग्लिश होती है लेकिन प्राउड को प्राउड बोलेंगे, मेंटल को मेंटल, बड़ी सही होती है। ओके एक अच्छी कार है, चल 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 समझ गया, ठीक है हमें इसके लिए कार लेकर आनी है, तो हम अपनी महंगी कार लेकर जाएंगे। ओके येलो मार्क को हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, तो मैं सही कार चला रहा हूँ आज के लिए। देखो भाई ये ड्राइविंग देखना तुम मेरी, बस कटिंग देख लो। ओके यहाँ से लेफ्ट ले लेता हूँ, अरे फ्लो फ्लो में भैया आगे निकल गए, रुक जाओ यहाँ से मैं लेफ्ट ले लेता हूँ। और अभी तो फिलहाल सीधे ही लेना, कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना, देख रहे हैं मेरे पास मिशन में करना क्या है। ओके कॉल आ रहा है इसका, ठीक है उठा लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही गलत चला रहा हूँ गाड़ी। ओके यहाँ से मेरे को राइट लेना है, ठीक है यहाँ से राइट ले लिया। अब मेरे को पहले सीधी भगानी है, अब मैं रोकूंगा नहीं भाई, तेज चलानी सीख गया गाड़ी, मेरे को स्लो चलाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। ओके चलो ठीक है, यहीं पर आगे जाना है मैं, कहीं ज्यादा, ओ भाई बच गए। अब फिर भी भाई क्या गदर ही एक्सीडेंट होते होते बचा हमारा, और मैंने इसकी कॉल पे कोई बात ही नहीं सुनी, मैं अपने ड्राइव पे फोकस कर रहा हूँ, पूरा फोकस मेरा मेरी ड्राइव पे। ओके तो हमें इस घर के अंदर एंटर होना, तो चलो यहाँ से अपनी गाड़ी एंटर करा देते हैं। बस खोलो बे, बे इज्जत ही नहीं है कोई। अच्छा हाँ अपना घर थोड़ी, हमें गाड़ी चुराने आया तो हमारे लिए गेट को थोड़ी कोई खोल जाएगा। तो हमें करना क्या है यहाँ पर, ये गेट है इसमें से ट्राई करते हैं अंदर चलने का। फाइंड अ वे टू द इन टू द हाउस, ओके ठीक है, हमें घर में जाने का एक ना रास्ता ढूंढना है, घर में जाने का रास्ता। ओके चलो बैक साइड पे चलते हैं घर की और देखते हैं भैया कहाँ से रास्ता है। बाकी अपनी गाड़ी तो चकना चूर हो गई आगे से, थोड़ी थोड़ी पूरी टूट रही है भैया। ओके तो ये घास वहाँ से लगा रखी है इन्होंने, यहाँ से एंटर हो सकते क्या, नहीं नहीं नहीं। और ये वो हो टेनिस खेलने का भी बना रखा है, नाइस हाउस। ओके तो यहाँ नीचे से एंटर, लेकिन नीचे से एंटर होने में कोई फायदा ही नहीं है, ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं है यहाँ से। तो मैं गेट के उधर से कोई जुगाड़ लगा दे, चलो बेटा भैया गाड़ी वाड़ी हटा लो अपनी, कहाँ से एंटर हो, यहीं पर एक बार ट्राई करता हूँ एंटर होने का, न्यू कार लगा इसी, अरे इसी गेट को मैं शायद टाप सकता हूँ, मे बी ट्राई करते हैं चलो। अबे गिर गया, अबे सिंपल था,
ओके तो यहाँ पर चुपचाप जाना पड़ा, प्लस लैपटॉप कंट्रोल टू। ओके ठीक है, हमें चोरी करने वाले मोड में जाना चुपचाप से एकदम। ओके चुपचाप चलना है, गार्डनर लगा पड़ा, अगर गार्डनर को पता चल गया ना तो काम खराब होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस राइट क्लिक कर रहा है, ओके ठीक है चलो मैं गार्डनर को नॉक करना पहले तो चलते। ओ भाई का बदर घुसा गया है मैंने इसके। अब हमें आगे क्या करना है? ओके तो ये ब्लू डॉट पे जाना है। ब्लू डॉट पे क्या ऐसा ब्लू डॉट, इसे खोल देते हैं। ये गया, ओ अंदर कार खड़ी है, ठीक है इसी कार को लेना है। बट ये तो लॉक है बाहर से, इसे बाहर से नहीं खोला जा सकता। तो कार अंदर खड़ी हुई है, अब मेरे को चेक करना पड़ेगा कि मैं घर के अंदर एंटर कहाँ से हो सकता हूँ। एक डोर ये है, ये वाला डोर तो लॉक्ड है, चलो हटो। सारे डोर लॉक्ड होंगे वैसे तो यार मेरे हिसाब से, ये विंडो से हो नहीं सकते एंटर। एक एक कार खड़ी है, ओके प्रेस स्पेस टू। ओके हमें जंप करके पहले कार के ऊपर चढ़ना है। ओके अंदर घर में लड़ाई चल रही है शायद। ओके तो हम यहाँ से इसके ऊपर भी चढ़ सकते हैं। ओके हमें यहाँ से घर के अंदर एंटर हो जाना है पहले, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ओके तो हम घर के अंदर एंटर हो चुके हैं, चुपचाप चलेंगे। ओके तो यहाँ पर लेफ्ट में ये बंदा, ओ भाई भाई क्या सेटअप है भाई साहब, देखो लैपटॉप वैपटॉप लगा रखा है, PS4 चला रहा है आराम से, मूवी देख रहा है शायद को नहीं। ओ भाई तगड़े बंदा भाई, PS4 सब कुछ है इस पे। और ये इसकी सिस्टर है जो कि अंदर व्हाट्सएप चला रही है। तो हमें नीचे से कार चुरानी है बेसिकली, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ब्लू साउंड्स ब्लिप ऑन द रडार इंडिकेट हाउ मच साउंड्स यू आर जे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तो अभी साउंड कर ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल चुपचाप चल रहा हूँ। तो ये दोनों अंदर लगे पड़े अपना, और ये लेफ्ट में क्या है? तो ड्राइंग रूम है, मेरे को गैराज का रास्ता ढूंढना है। गैराज 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 गैराज, और चुपचाप देखना होगा तो भैया यहाँ से निकल लेते हैं। ठीक है ये वाली कार हमें लेनी थी, ये अपने आप ओपन हो जाएगा ना। चलो ठीक है ये ओपन हो गया, बड़ा इजी मिशन था यार ये तो अपने लिए। खुल गया गेट, अब हमें इस कार को उसे देकर आना है वापस से, इसे आराम से चलाएंगे, उसकी कार है अपनी कार नहीं है, ठुकनी नहीं चाहिए। वरना भैया ओहो कॉल आ रहा है, कट कर लेते हैं। चलो आराम से ले जाएंगे इसकी कार को, अभी तो मेरे को बिल्कुल सीधे ही जाना है, रास्ता वैसे याद ही है, कोई ज़्यादा मैप में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह शिट 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 शिट, वैसे कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ठीक है भाई। लेकिन गाड़ी बड़ी बुरी तरह ठुकी थी, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, अपनी तो कार थोड़ी खतरनाक लुक की है, वैसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। प्लस आर टू टॉगल द हुड कैमरा। ओह माइकल कहाँ से आ गया? अभी इस गाड़ी में क्या कर रहा था बैठ के? Considering my son just got the car, and looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. भाई ये कहाँ से आ गया कार में? Credit fraud? Be serious, dude. अबे मेरे को गाड़ी तो चलाने दे। हाँ ठीक है। भाई ये क्या कर रहा है गाड़ी बैठ के यार? इसने हमारे पर पिस्टल तान दिया भाई। अब हमें इसकी बात माननी पड़ेगी वरना हमें ठोक डालेगा। तो अभी हम पहले अपने माँ कार पे चलते हैं फटाफट से, जहाँ पर हमें जाना था कार लेके। अभी भी वही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा Yeah, this is the place, man. Oh. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Okay. I'll put two rounds in the back of your skull. हमें उसकी भाई विंडो तोड़नी है, अब पूरा फोकस रखना है हमें अपनी ड्राइविंग पे, उसकी विंडो तोड़नी है फोकस करके। मैं फोकस तो मैं ऐसे ही कर ले रहा हूँ, यही वाली तो विंडो है, ले यही विंडो। ओके ओहो भाई रन हो गया। Mr. Sammy, it's not exactly how it looks. I was too big for a job well done. Okay, पैसे हमें मिल चुके हैं, हमें पैसे से मतलब है लेकिन। You motherfucker! तो अभी हम फ्रैंकलिन बन चुके हैं और हमें फ्रैंकलिन का ट्रैक्टर मिल चुका है और इस गंजे को हमें कूटना है। आ जा बेटा। ले। हाँ जी। अब इसको इतना गंदा मारूंगा ना देखना अभी। Press Q to kick. Okay, लात मारने के लिए Q. अबे भाई ये कौन सी लात मार रहा है? अभी ये कौन सी लात मार रहा है? I'm within the lines of the law. Press R to counter. ओ तेरी दे आर, ये आर से हम काउंटर देंगे। ठीक है काउंटर अटैक देंगे काउंटर। How dumb. ले मुंह मुंह पे तेरी भैंस की टांग, तेरे में ज्यादा ही जान है इसके अंदर तो। कुछ ज्यादा कर, अबे गेट पे का दे रहा है, एक इसकी गाड़ी पे भी दे देता लात। तेरी भैंस की तरह नुकसान भी कराएंगे हम। साला बहुत चीज मार रहा है अपनी बारी में। You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth 5 grand a month to you? You fucking racist! देख लो इतना बड़ा कार का डीलर है और कार की चोरियां करवा रहा है भाई। I'm telling you, this
मुंह मुंह का बहुत तेज तेज भूसे पड़े हैं, खेल ले, बिच गया जमीन पे। चलो ठीक है, अभी हमें फ्रैंकलिन का कैरेक्टर भी जो है मिल चुका है, अब यहाँ पर अपनी गेम को कंटिन्यू करते हैं। अब हम दोनों कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, वही मैं चेक कर लेता हूँ हमारे पास वो है कि नहीं। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते अपनी गेम को, और यहाँ पर एक बार चेक करते हैं। ओके, तो हमारे पास अब फ्रैंकलिन भी है, माइकल भी है, दोनों आ चुके हैं। तो ओके, अभी हम माइकल बन चुके हैं। अब यहाँ पर ये वाला मिशन था, देखते हैं इस मिशन के अंदर हमें क्या करना है। तो ये माइकल अपने घर के अंदर चुपचाप एंट्री लिए हैं और अंदर गया घर के अंदर, और बारिश वाला मौसम हो रहा है। बारिश वाला मौसम थोड़ी हो रहा, बादल गरजने की आवाज कहाँ से है भाई। ओके, फ्रैंकलिन परेशान हो गया, अपनी बीवी बच्चों से लड़ रहे हैं अंदर घर के अंदर चुपचाप से। तो फ्रैंकलिन जो है बाहर बैठ के अपना चिल मार रहा है। तो देखते हैं इस वाले मिशन के अंदर क्या करना है। तो पीछे जो है फ्रैंकलिन भी घूम रहा है, और किसे जिम्मी का कॉल आ रहा है, ढाले बात कर लेते हैं एक बारी। ओके, तो इसकी जो याच है वो शायद चोरी हो गई है। उसका बेटा जैसे फोन करके बता रहा है, पता नहीं पागल बना रहा क्या कर रहा है, देखते हैं। काटते कॉल और चलते अपने मिशन पे। ओके, तो इसकी जो याच है वो चोरी हो गई है, तो हमें फटाफट चलना है उसके पास उसे। तो मैं कार, ओहो इतनी बढ़िया कार खड़ी है, और मैं जा रहा हूँ वो वाली कार लेने, येलो वाली। लेकिन वो तो इसी की कोई दिक्कत की बात नहीं है, माइकल की कार है वो। तो अभी हम चलना है सीधा हमें बीच पे चलना है, क्योंकि याच इसकी जो चोरी हुई है माइकल की, अब देखते हैं कहाँ पर हमें वो याच मिलेगी और किसने चुराई है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है चुराई किसने। अब चलते सीधा याच को लेने। तो ओके गाइस, हम फाइनली यहाँ पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर इसकी याच जो है खड़ी थी और वहीं से चोरी हुई है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है। तो ये ओके ओके, वो लेकर जा रहे ट्रक पर हमारी याच। ओके ठीक है, अब हमें इसे पकड़ना है। रुक जा बेटा, हमारी याच तूने किससे पूछ के चुराई? आ रहा है, रुक जा। गेट फ्रैंकलिन क्लोज टू द याच, ठीक है। फ्रैंकलिन को मैं उसके क्लोज ले जाना, और फ्रैंकलिन देखते क्या करेगा। शायद ये कूद के पकड़ेगा मेरे को लग रहा है, इसको ट्रक में बैठाना है मेरे को लग रहा है। चलो चलते हैं। अरे भाई ये क्या चला रहा है भाई, कितनी तेज चला रहा है, सारी गाड़ी को टक्कर मारते चल रहे हैं। रुक जा बेटा, आ रहे हैं हम तेरे पे। हाँ, बाकी गाड़ी को भी ध्यान रखना है। अब कैसे चढ़ेंगे इसे, चढ़ जा, कैसे चढ़ाना है इसको। रुक जा रुक जा रुक जा भाई, गाड़ी को ना इसके ट्रक के पीछे करता हूँ। हाँ, जिस हिसाब से बैठा वहाँ से चढ़ जाएगा। ओ चढ़ गया, नाइस भाई। तो बिल्कुल बंदर था भाई, इतनी ऊंची तो जब बंदर ही मार रखते। चलो अब इसे मारने आ रहे हैं। ओहो, गिरा रहे उसको वो नीचे, अरे ऐसे कैसे गिरा देगा ये। ओके, शूट कर रहा है उल्टा वो, उसको गिराने का शूट कर रहा था, उसने गन साइड कर दी, गिरा दे चल तेरी। अभी चढ़ गया ऊपर आराम से फ्रैंकलिन। ओके, शायद अब मामला ठंडा थोड़ा। ओके, एक और बंदा आ गया, नहीं नहीं ज्यादा बंदे हैं। ओहो, फ्रैंकलिन छुप रखा था, लपेट लपेट इसे। हमें क्या ओला का ड्राइवर समझ रखा है भाई, सारी लड़ाई वही कर रहा है। यूज होल्डिंग द एम टू फायर। ओके, तो हम फायर भी कर सकते हैं, ठीक है। चल तेरी, पबजी के प्लेयर अच्छा है मैं, हमारा खत्म, एक ही गोली में निपटा दिया बंदे को। अब क्या करना है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर इसका बेटा भी मिल गया थे, तो अच्छा वो यहाँ पे बैठा हुआ था। अब मैंने दोनों को गाड़ी पे लेना, शायद यहाँ पे तो चाहिए रहेगी। ओह भाई, ये कहाँ चला गया? ओह भाई, ये कहाँ फेंक दिया? ड्राइव अंडर जिमी एंड होल्ड द व्हीकल। ओह भाई, मैं रॉन्ग वे आ गया यार, शिट, गलती से। रुक जा यार, आगे शायद कट हो तो ठीक है, वरना मैं गलत आ गया। मेरे को इसके नीचे गाड़ी रखनी है। रुक जा, गाड़ी में आ गया। अब क्या करना है, चढ़ जा भाई अंदर। फ्रैंकलिन अपना लगी लगा पड़ा, गिर रहा जा रहा।
अब शायद ट्रक ड्राइवर को पकड़ना होगा, बाकी सब कुछ तो हो चुका है। फ्रैंकलिन ही निपटा देगा सब, शटर को भी आना है। रुक जा रुक जा रुक जा, आ गया आ गया, ये भी आ गया। सबे भैया क्या हो रहा है ये? अब यार्ड वाला तो भगी रहा है, क्या करने आ गया तू? ये गाड़ी इतनी स्लो कैसे हो गई? अबे गाड़ी को क्या हुआ? चलो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां पर हमें आना था। और भाई ये गाड़ी ने इतनी स्लो चली है कि मतलब बताओ इतनी धीरे धीरे पहुंची है, वरना तो मतलब कब का बचाया था। तो यहां पर हमें पहले शायद गाड़ी रिपेयर भी करवानी है ताकि ढंग से चले, इतनी स्लो चल रही है ना भाई पूछो मत। तो यहां पर फ्रैंकलिन रिपेयर कराया है। तो अब हमें यही गाड़ी इसके वापस घर पर छोड़ कर भी आनी है। चलो उसके घर पर छोड़ कर आ जाते हैं। अब एकदम प्रॉपर चल रही है। चलो घर वैसे इसका ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, शायद फटाफट छोड़ कर आ जाएंगे इसके घर पर इसी की कार। चलो गाइस फाइनली जो है फ्रैंकलिन उसके घर पर उसकी गाड़ी जो पहुंचाने वाला है। और पूरे रास्ते जो जिमी है माइकल का लड़का, उसने भाई फ्रैंकलिन की तारीफ कर कर के परेशान कर दिया। और यहाँ पर ओके तो आगे वाले का सिलेक्ट ले लेंगे। ये चुप ही नहीं हो रहा भाई, तारीफ करे जा रहा है और अपने खुद के बाप की बेइज्जती मारे जा रहा है। ओह अपनी गाड़ी अभी तक यहीं पर खड़ी हुई है। नाइस, ये कार हमने कब खड़ी करी थी, अभी भी यहीं पर है। बढ़िया है, तो यहाँ गाड़ी लगा देते हैं। पहुंच गए हम घर पे। चलो भाई हमारे न्यू कॉन्टैक्ट हो चुके हैं, डायरेक्टर मोड एक्टर अनलॉक हो चुका है। और दो कॉन्टैक्ट आ चुके हैं, एक है माइकल का और एक है जिमी का जो कि उसी का बेटा है। अब यहाँ पर और मिशन देखते हैं कुछ, और अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं। ये गाड़ी में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो अपनी एक काम करते हैं, चीट कोड से अपनी जो कार है उसे मंगाते हैं और उसे ना पूरा मॉडिफाइड करवा कर अपने पास रखेंगे, ठीक है? उसे अपनी एक पर्सनल कार बनाएंगे। तो चलो फटाफट अपनी न्यू कार मंगाते हैं। अबे साले ने आगे लाके खड़ी कर दी। तो चलो गाइस अपनी कार आ चुकी है, अब इस कार को लेकर चल रहे हैं मॉडिफाई करवाने। यार अभी भी हम वहीं से आ रहे हैं, तो अभी फटाफट पहले चलते हैं अपनी कार को मॉडिफाई करवाने और देखते हैं भाई नियरेस्ट शॉप कौन सी है मॉडिफिकेशन की। ओके तो ये तो बहुत पास है भाई, इतनी पास है। चलो ठीक है, इस पे चलते हैं सीधा। ओ ओ ओ ध्यान से भैया, महंगी कार है अपनी। और पहली बात तो सुपर फास्ट बहुत ज़्यादा है। अरे 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 कुछ ज़्यादा ही घूम रही है तो। तो गाइस यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं अपना मॉडिफिकेशन की शॉप में, ऑटो रिपेयर कस्टम्स। अब यहाँ पर अपनी गाड़ी को जो है रिपेयर करवाएंगे। और गाड़ी मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ से रिपेयर करवाने के बाद ही उसके गैराज में खड़ी कर दूँ माइकल के। तो सबसे पहले गाड़ी को रिपेयर करा लेते हैं। अब पूरी कार को मैं एकदम पूरा मॉडिफाई करवा दूँगा, सारा पैसा लगा देंगे इस पर आज हम। तो पहले ये ले लेते हैं, पैसा तो बाद में भी आते रहेगा। ब्रेक्स को पूरा अपग्रेड करवा देंगे। बॉडी वर्क में क्या क्या है? ओके तो यहाँ पर एक ये लग जाएगा। इंजन में देख लेते हैं कौन सा है, इंजन ये वाला करवा लेते हैं। एग्जॉस्ट को अपग्रेड करवा देंगे, और हमें और नहीं चाहिए। ओके तो गाइस कार जो है पूरी अच्छे से मॉडिफाई अभी हमारी हो चुकी है। और भी बहुत कुछ था जो कि अभी हमारा ना लॉक्ड है, तो ये है फाइनली हमारी जो कार है। और एग्जॉस्ट वगैरह देख लो भाई, कार का टायर देख लो जो चेंज करवाया। और यहाँ से ये फ्रंट आप देख सकते हैं, अंदर से मैंने अंदर भी बहुत कुछ काम हुआ गाड़ी के अंदर। और ये देख लो फाइनल लुक। ओके तो एग्जॉस्ट भाई अलग ही देखो भाई साहब, आग छोड़ रहा सीधा। तो चलो अब इस गाड़ी को ना पहले फ्रैंकलिन के घर पर खड़ी कर आ जाते हैं। नहीं एक काम करते हैं ना, माइकल के गैराज में लगाएंगे, पास पड़ेगा वो हमें यहाँ से, माइकल का जो घर है। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। जो बाकी मिशन अभी तो मतलब इतना छोटा तो गेम है नहीं, अभी समझ लो 1% जो है गेम का कुछ हिस्सा हुआ है अभी। तो भाई बहुत सारे मिशन बाकी है, तो भाई आगे जो सीरीज है वो आगे चलकर कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं GTA 5 के ऊपर और भी वीडियोस डालूं इसी टाइप की, तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना, और लाइक करे बिना वीडियो को बिल्कुल भी मत जाना। और चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब जो GTA 5 के एपिसोड्स है, GTA 5 की सीरीज है, मेरा तो यार बहुत ज़्यादा मन कर रहा है इसमें वीडियोज डालने का। तो चलो भाई आज की वीडियो में इतना ही। मेरे को तो यार बड़ा अच्छा लगा भाई GTA 5 के लिए, आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में देख के। चलो भाई गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।